हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे यूट्यूब की ऑडियंस का? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि मेरी अम्मी आई हैं, तो आज जरा अम्मी को बाहर लेके जाने का दिन है। थोड़ा सा जो है वो अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ शॉपिंग शॉपिंग करनी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ब्लॉग भी बनाते हैं साथ साथ और आपको भी दिखाते हैं कि मेरी अम्मी जो है वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें वो लेने जा रही हैं। आपस की बात है, तिब्बत करीम लेने जा रही हैं, बहुत कुछ और भी लेना है लेकिन तिब्बत करीम भी एक लेनी है। और मैं सुन के हंसी, मैंने कहा अम्मी आप आज भी तिब्बत करीम ही इस्तेमाल कर रही हैं? मेरी माँ वैसे ही सादी की सादी है। तो चलो चलते हैं, चल के देखते हैं कि अम्मी रेडी हुई हैं कि नहीं हुई। अम्मी को वैसे नहला धुला के मेरे कपड़े वपड़े चेंज करवा दिए, तैयार करवा दिया है। अम्मी को भी साथ लेते हैं और साथ में एक छोटा सा अम्मी के लिए मैंने सोचा सरप्राइज कि अम्मी को एक ईद का सूट लेके दूंगी गिफ्ट। तो चलो अम्मी का सूट भी लेते हैं और अम्मी को भी साथ लेते हैं। अम्मी ने भी छोटी मोटी शॉपिंग करनी है और मैंने अम्मी को सूट भी लेके देना है, वो भी लेते हैं। तो चलते हैं बाजार। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरी प्यारी अम्मी जान जो है वो आना शुरू हो गया। अम्मी को मैं कह के गई थी कि अम्मी रेडी हो जाए, तो चले आ जाए बाहर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं प्यारी अम्मी? और ये मेरी अम्मी जो है वो चल पड़ी हैं, आ रही हैं। आ जाए अम्मी, आ जाए, आ जाए, आ जाए, चलें आहिस्ता आहिस्ता, चलें और आ जाएं और अम्मी को लेके चलते हैं बाजार। अम्मी को थोड़ा सा लाहौर की बाहर की दुनिया दिखाते हैं और चलें अम्मी। मैंने वैसे ऑडियंस को बता दिया कि आप जो चीजें लेने जा रही हैं उनमें एक चीज तिब्बत करीम भी है। है तिब्बत क्रीम। मम्मी आप हमेशा तिब्बत क्रीम इस्तेमाल करती हैं, जबकि दुनिया सीरम्स पता नहीं क्या क्या लगाने पे आ गए। तिब्बत क्रीम ही साथ साथ आती जाए, आती जाए। टाइम कम है, आके अफ्तारी बनानी है। आज आपके दामाद की फरमाइश है बिरयानी की, आज बिरयानी बना के आपको खिलाऊंगी आज, और साथ अफ्तारी की चीजें भी तैयार करनी है। चलती आए। तीन तीन बंदे जो हैं, ये तीन तीन बंदे अम्मी को बाहर लेके जाने में अभी बिजी हैं। अम्मी आपकी माल गाड़ी जो है वो कितनी ढीली है, आहिस्ता चलती है। आप अगर कराची चली पैदल तो आप एक साल में कराची पहुंचेंगी, साल में कराची पहुंचेंगी हैं। चलो जी, अब अम्मी को यहाँ से चेयर पे बिठाएंगे, क्योंकि एक स्टेप है इंसान की लाइफ की। आप देख सकते हैं कि कितनी स्टेजेस है कि कभी वो भागम दौड़, मुझे याद आता है मेरी अम्मी मेरे लिए क्या क्या काम हमारे करती थी। सबकी दावतें तैयार कर रही हैं, खाने बना रही हैं हमारे लिए, मतलब बहुत अम्मी एक्टिव थी अपनी लाइफ में। और अब देखो कि अम्मी की स्टेज थोड़ी सी ऐसी आ गई है कि उनको हमारे सहारों की ज़रूरत है। तो माँ बाप का जो है वो सहारा बने प्लीज़। माँ बाप को कभी भी ये फील ना हो कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। माँ बाप का सहारा बने। और आप देखते हैं कि और अम्मी अब आपकी ट्रेन कहाँ तक पहुँची है ये बताएं, ये गाड़ी तक कब पहुँचेंगी आप? वो है आपकी ट्रेन है ना, आपके इंजन में कितनी खराबियाँ मुझे ये बताएं, आपकी ट्रेन कब तक पहुँचेगी आपकी माल गाड़ी? पूरी गाड़ी खराब हो गई है इसलिए। चलो अब अम्मी को गाड़ी तक पहुँचने में हम देखते हैं कितनी देर लगती है। आखिरकार हमने ये हाल निकाला है कि हम लॉन में गाड़ी लेकर आ गए हैं ताकि अम्मी यहाँ से आराम से इधर फ्रंट सीट पर इधर बैठ जाए। अम्मी आप क्या खूंडी, मैं हूँ खूंडी क्या स्टिक कहते हैं स्टिक जो रखना। देखो भाई औलाद जो होती है वो माँ बाप की स्टिक होती है। आराम आराम से सोचे भी ना, गिरने दूंगी मैं आपको। आपको लगता है? और फाइनली अम्मी जान अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी हैं और अम्मी आप बैठ गई है गाड़ी में, सुकून से इजी हैं, सेट हैं। अब निकलें हम शॉपिंग के लिए। क्या आपको यही तो मेरा करना था, बस गाड़ी में लाके बिठाना था और उठा देना था। चलें उठें वापस जाए अब। नहीं 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 नहीं, अब आपको लेके चलते हैं। तो चलो चलते हैं हम और अम्मी के लिए कोई सूट लेते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं अम्मी की। और यार जब से अम्मी आई है ना, लाहौर का मौसम हसीन हो गया। नेक लोग आए हैं जी, नेक लोग आए हैं। लाहौर का मौसम देखिए अम्मी कितना खूबसूरत हो गया, वरना इतनी गर्मी थी लाहौर में, धूप धूप निकली हुई है। लेकिन अब जब से नेक लोग आए हमारे लाहौर में, लाहौर का मौसम ही अच्छा कर दिया। ठंडे इलाके से आए, गुजर खान से आए हैं, ठंडा इलाका है। और अब हम जो है वो चल रहे हैं रास्ते में और मौसम का तो बताना हक बनता है यार, नेचर की बड़ी दीवाने हम। ये चीज़ें जो हैं वो तैयार हो रही हैं बस, और अम्मी बेबी तो हैं, हमने बेबी पाउडर ले लिया और साथ में ये तिब्बत करीम अम्मी की। तो चलो मिलकर आते हैं। चले अम्मी अब आपका जो है वो मैं लेने जा रही हूँ, काला कोला आपको जवान बनाऊंगी मैं। तो अब आप जल्दी से, रात को बुखार में आएंगे, आपसे मिलेंगे अब। 15 मिनट्स लेटर। स्टेयर्स हैं और अम्मी जो है वो चल नहीं सकती, तो इस वजह से मैं सूट लेकर आई हूँ तीन अम्मी को पसंद करवाने के लिए। इसमें से देखते हैं अम्मी कौन सा सूट पसंद करती है। अम्मी
आप अपनी पसंद का देख लें, जो सूट आपको पसंद आता है, जो कलर पसंद आता है वो ले लें। इजनिक के सूट हैं, थ्री पीस लॉन के सूट हैं, जैसे आप चाह रही हैं कि ना कढ़ाई हो, ना कोई रेशमी हो दुपट्टा, सर पे खड़े होने वाला हो। अम्मी आप पे अच्छा कलर लग रहा है, आप ये ले सकती हैं। देखिए मैं आपको उड़ा के चेक करवा रही हूँ कलर, मुझे तो अच्छा लगा है, नीला ब्लू सा कलर है। और बाकी भी देख लें आप, और फिर ये ब्लू वाला भी देख लेना। अब हम लोगों ने अफ्तारी के लिए कचोरियाँ पकड़ ली हैं, बाकी अफ्तारी घर जाके तैयार करते हैं। आपको बताया आज बिरयानी फरमाइश है, बिरयानी बनानी है, और साथ में जो है वो पकोड़े, फ्रूट चाट, सैंडविच वगैरह तो बनेंगे ही बनेंगे। तो कचोरियाँ और दही भले हमने ले लिए हैं, क्योंकि आपको पता है मैं हाफिज़ आऊँ, हाफिज़ से दही भले ना लूँ, ये तो बहुत बात है। तो चलो चलते हैं। अम्मी जान कोई और चीज़ आपकी रहती हो बता दें। आज गर्ल्स, हमारा गर्ल्स डे आउट है आज, हम लड़कियां निकली हैं दोनों, सारे बच्चों को, मियां को, सबको छोड़ के अपनी याशी पे। कोई चीज़ और लेनी हो, कुछ खाना हो, कुछ पीना हो, सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया, तसल्ली होगी। अब घर चलें, अफ्तारी की तैयारी शुरू करें हम अपनी। चलो। और फ्रूट चाट जो है वो टिप टॉप किस्म की रेडी हो रही है, बड़ी अच्छी किस्म की। क्या लग रही है फ्रूट चाट, क्या लग रही है। अब चाट मसाला डालते हैं और फ्रूट चाट रेडी है। अब चलते हैं पकौड़ों की तरफ और सैंडविचेस की तरफ। आज अम्मी जो है वो शावेज को पढ़ के सुना रही है गुलिस्ताने सादी, उसकी सिलेबस का है जो इतनी ज्यादा थी, नहीं हमें ये दिखाना, ये क्या है। हाँ, गुलिस्ताने सादी उर्दू की, शावेज की। कितनी अच्छी लगती है देखो, पहले की नस्ल और आज की नस्ल दोनों इकट्ठे। सारे शहर से जो ठोक पूरा करते रहे, एक दिन साथे बड़े फकर से। अम्मी ट्यूशन फीस कितनी है आपकी उर्दू पढ़ाने की, इसकी कितनी ट्यूशन फीस है? दोस्तों की जितनी कीमत है वो दरवाजे की कीमत होगी, ठीक है। चलो जी, ये तो बहुत ज्यादा ट्यूशन फीस। अम्मी शावेज की तो कोई कीमत ही नहीं है, ये तो मेरा अनमोल बेटा है। इसका मसाला हमारा जो है वो रेडी हो रहा है, बस फ्रूट चाट रेडी है, सैंडविच का मसाला रेडी है, और पकोड़ों के लिए तैयार कर दिया है, और ये बिरयानी का मसाला भी रेडी हो रहा है। बस अब चावल उबालने हैं और बिरयानी रेडी। मैं आपको अफ्तारी के लिए बुला रही हूँ, आ जाए, दुआ करने का टाइम आ रहा है, 5:30 हो रहे हैं। अरे आप चूजे से डरती है मेरी तरह? तो मेरी तरह ही आप ही ना करो शायद। शानू जलेबी हमने डाल ली है, कचौरियाँ हमने डाल ली हैं, इनको बस दो दो पीस करना है क्योंकि बहुत बड़े साइज़ की हैं। तो अब लेके चलते हैं इनको भी। पकौड़े हमारे रेडी हो रहे हैं, पकौड़े हमारे रेडी हो रहे हैं, और मेरे पास एक मेहमान आया है किचन में। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, प्यारी अम्मी जान, आज आप कैसे किचन में जलवा फरोज हो गई हैं? देखूँ क्या कर रही हैं। अम्मी आ गई हैं किचन में, अब समझो सारे काम जो है वो मुझसे जल्दी जल्दी और सुकून से मजे, क्योंकि वरना पहले एक पाँव मेरा कमरे में होता है अम्मी के पास और एक पाँव किचन में होता है। तो आप तो और सुकून से तैयारी करेंगे, मेरे किचन को रौनक बख्श दिया अम्मी ने। मेरे मज़ेदार से दही भले रेडी हैं, ऐसे कायनात में रंग है दही भल्लों से और मीठे से। दही भले भी मेरे बड़े फेवरेट है, इस टाइम रोज़ा लग रहा होता है, हर चीज़ ही फेवरेट लग रही होती है। मेरे ख्याल में दही भले जो है वो औरतों के फेवरेट होते हैं, लड़कियों के ज़्यादा फेवरेट होते हैं लड़कों के लिस्ट पर, है ना। या लबक जो बाकला पड़ गए इसको तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या करीम, या रहीम, या रहमान, या रहीम, या लबक जो बाकला पड़ गए इसका स्वाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तोहफ़तन हदीयतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या लबक जो बाकला पड़ गए इसका स्वाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें से लबक कमो बेश 124,000 पैगंबरों के रूप को पेश कर दे, वो कबूल मंजूर फरमा। 3 मिनट्स लेटर। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और ज़िंदगी थोड़ी सी है इसकी कदर कीजिए, और बहुत गैर यकीनी भी है, आज हम हैं कल हैं या नहीं हैं कोई पता नहीं, तो इसलिए जो आज का दिन है उसको खूबसूरत बनाएं और कीमती बनाएं, और अपने प्यारों का उनका ख्याल रखें। और अम्मी अल्लाह हाफिज़ कर दे सबको, फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।